आप भी शेफाली वर्मा को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड का दौरा चल रहा है। हाल ही में इंग्लैंड पर इंडिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक दोनों टीमों में हमें एक एक मैच जीत कर सीरीज में बराबरी कर रखी है। पहले मैच में जहां इंग्लैंड की टीम ने अच्छे खेल के प्रदर्शन से मैच जीता, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल के प्रदर्शन से दूसरे मैच में बाजी मारी। बता दें, तीसरे मैच से पहले भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, जिसमें उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तो आइए बता दें आपको इस मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा में कौन जबरदस्त खिलाड़ी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड का दौरा चल रहा है। इसमें अब तक टेस्ट और ओडीआई सीरीज खेली जा चुकी है। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने अपने शानदार खेल के प्रदर्शन से सीरीज ड्रॉ करी। टेस्ट सीरीज के बाद ओडीआई सीरीज में भी भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इसको जीतने में असफल रही। और ओडीआई सीरीज के बाद T20 सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक भारतीय टीम के द्वारा जबरदस्त खेल का प्रदर्शन हुआ है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरीज में अब तक 2 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी रखी है। दोस्तों, तीसरे मैच से पहले भारतीय टीम ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर टीम के कोच और प्रशंसक दंग रह गए। आपको बता दें, 22 खिलाड़ियों की टीम को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर ने की, वहीं दूसरी टीम की कप्तानी स्मृति मंधानी करती नजर आई। हरमनप्रीत कौर की टीम ने पहली बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और 175 का पहाड़ जैसा लक्ष्य स्मृति मंधाना की टीम के सामने रखा। आपको बता दें, हरमनप्रीत कौर की टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी खेली। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 64 रन जड़ दिए। उन्होंने विपक्षी टीम के गेंदबाजियों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, देखने वाली बात तो ये थी जब उन्होंने राधा यादव के 5वें ओवर में 5 गेंद पर 5 चौके जड़ दिए। उनकी ऐसे बल्लेबाजी को देखकर विपक्षी टीम की कप्तान स्मृति मंधाना के भी पसीने छूट गए। दोस्तों, पहले विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी हरमनप्रीत कौर कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और उन्होंने 30 गेंद में 55 रन की पारी खेली, जिसके बाद उनकी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत मिल गई। इसके बाद तो बस वो मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात ही हुई। दोस्तों, 175 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्मृति मंधाना की टीम को उन्होंने हरलिन देओल के साथ मिलकर एक जबरदस्त शुरुआत की। स्मृति मंधाना और हरलिन देओल के बीच 95 रनों की साझेदारी जबरदस्त हुई। उन्होंने शानदार साझेदारी सिर्फ 8 ओवरों में ही कर डाली, लेकिन अफसोस, ये साझेदारी सिर्फ 10वें ओवर तक ही रही। इसके बाद तो मानो हरमनप्रीत कौर की टीम की गेंदबाजों ने विकेट्स की तो लड़ी ही लगा दी। उनके गेंदबाजों ने अगले 5 ओवर में लगातार 7 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर ही तोड़ दी और स्मृति मंधाना की टीम 17 ओवर में 135 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर की टीम ने इस मैच में अपनी बैटिंग और बॉलिंग के जबरदस्त परफॉर्मेंस से इस मैच पर शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी पकड़ जमा कर रखी और भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर इंग्लैंड महिला टीम का खेमा चिंता में आ गया हो। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस सीरीज के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रहेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।